कैसे हो दोस्तों? तो मैं बता दूं यार, पेटीएम से अभी मेरे को एक फ्रॉड कॉल आया था, तो उसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग मैंने अभी डाली है एक, और अभी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। पहले आप ये वाली रिकॉर्डिंग सुन लो जो मैं अभी डाल रहा हूँ, फिर आपको लास्ट में दिखाता हूँ उसने स्क्रीन शॉट, मतलब उसने क्या मैसेज भेजा और बोलता है इस लिंक पर क्लिक करो। तो अभी आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुनो, फिर मैं दिखाता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ सर, एक नंबर आपको दिया, जरा उसे नोट करेंगे, ठीक है? तो मतलब कॉपी कर लेंगे सर, ठीक है? किसको? एक नंबर दिया जा रहा है, उसमें एक प्लेन मैसेज यहाँ से दिया डिवाइसी के लिए, जिसको आप फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? अच्छा, फॉरवर्ड करना है ना? जी सर, तो कौन सा नंबर है? जी दे रहा हूँ सर, अभी सिस्टम ओपन होने दीजिए, अभी दिया जा रहा है आपको। हेलो। हाँ सर, नंबर नोट कीजिए सर। एक मिनट सर, पेन निकाल, तो एक मिनट सर रुकिए। बताता हूँ, टेक्स्ट मैसेज में आके आप कॉपी कर लीजिए सर। बोलिए बोलिए सर, हाँ, जैसे 30 एक मिनट सर, एक मिनट सर, पेन थोड़ा चल रही ना। सर, मैं आपको एक बात बता, टेक्स्ट मैसेज में आइए सर, वहां से आपको कॉपी कर लेना है, काफी बेहतर रहेगा सर। फिर सर कॉल कट जाएगी, कैसे आएंगे सर? ओ, छोटा मोबाइल है सर आपका? नहीं है तो बड़ा, लेकिन सर कैसे कैसे करेंगे? जी सर, आप होम बटन को क्लिक कीजिए सर। ओके, हाँ, हो गया, होम हो हो गया। गया सर, आप टेक्स्ट मैसेज में आइए। हाँ एक मिनट, हाँ आ गए। हाँ, वहां नंबर नोट कीजिए, जो जहां मैसेज आप लिखते हैं वहां नंबर डालिए सर। सेवन थ्री एक मिनट, एक मिनट, 7 3 जीरो 0 डबल फोर 44 ट्रिपल नाइन 999 02। 02 हाँ सर, फिर से मैं आपको कंफर्म कर दूं, 7304 44 ट्रिपल 902। 2 4 6 8 10, हाँ हो गया। जी सर, मैं अभी आपको मैसेज दे देता हूँ, ठीक है सर? मैं आपको इसी नंबर पे मैसेज दे दे रहा हूँ, ठीक है सर? ओके ओके, आपका मोबाइल नंबर है पेटीएम वाला 9131। हाँ आ रहे, एक मिनट, 9131 हाँ 4768, उसके बाद 10 है ना सर? ओके, देखिए मैं आपको मैसेज दे देता हूँ, जस्ट आप थोड़ा सा लाइन उसपे फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है सर? ठीक है ठीक है, देखिए सर, अभी आपको मैसेज मिल चुका है, उसे जल्दी आप फॉरवर्ड कीजिए सर। आ गया मैसेज, आ गया। हाँ जल्दी, जो आपको कॉपी करा ना सर, वो नंबर पे आप जल्दी फॉरवर्ड कीजिए सर। ओके, ये डिस्कनेक्ट करना सर। ठीक है सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, आपका मैसेज सेंड हो गया था सर। वो मैसेज सर सेंड ही नहीं हो रहा है सर, वो कौन सा मैसेज आया नहीं सर इस पे? मैसेज आपको आया नहीं है? इस पे आया नहीं वो तो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल नंबर एक बार फिर से बोलिए सर अपना। हाँ तो वो इसी पे जो आप कर रहे हैं ना वही। 9131 47 68 10। हाँ ठीक है। हाँ
जी सर, मैं अभी आपको एक मैसेज दे देता हूँ, हाई लिख के कर देता हूँ आपको, ठीक है सर? आप चेक कीजिएगा आपको मिला है कि नहीं मिला है सर। देखिए अभी हाई करके आपको मैसेज मिला सर। एक मिनट। हाँ हाँ, 18 नंबर है जी। बिल्कुल। अभी आपको मैसेज दे देता हूँ, ठीक है सर? अभी देखना, अभी मिल जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? लाइन पे रहिए, मैं मैसेज दे के कॉल डिसकनेक्ट कर दूंगा, ठीक है सर? आप आसानी से मैसेज सेंड कर देंगे। हाँ देखिए, अभी आपको मैसेज मिला सर? हाँ अभी आया है एक। हाँ उसे सेंड कीजिए। क्या आप लाइन पे रह के कर सकते हैं ताकि मैं आपको नंबर बता दूं? ये तो इसमें किसका है, SBI का आया मेरा जी। बिल्कुल सर, इसी के जरिए आपकी यहाँ से दिक्कत दूर नहीं की जाएगी, ठीक है? तो SBI का तो है नहीं सर हमारा वो। सर SBI नहीं सर, SBI द्वारा आपका यहाँ से चेक किया जा रहा है, ठीक है सर? SBI के द्वारा जी सर, जैसे गूगल पे वगैरह से आपको ये किया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, वो इसका कार्ड आ जाएगा ना सर फिर? जी बिल्कुल आ जाएगा, आप उसे सेंड कीजिए, जो मैसेज मिला आपको सेंड कीजिए सर पहले। सर वो एक और जानकारी दीजिए सर, वो कितने दिन में आ सकता है सर? सर हेलो आएगा इसके में। हेलो हाँ सर, जैसे कि आप 1 वीक यानी हफ्ता दिन रख लीजिए सर। एक वीक में जी, और अगर आपकी KYC कंप्लीट अभी हो जाती है तो आपको मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर सर। 24 घंटे के अंदर तो सर जी, किस एड्रेस पे आएगा, जो पेटीएम में उस पे आएगा कि? जी जो पेटीएम है उसी में आएगा सर। जो पेटीएम का एड्रेस है जी सर। अच्छा जी सर, मैं आपको मैसेज दे दूं सर, वो मैसेज आपका काम नहीं करेगा सर। क्या सर? वो जो मैसेज दिया गया था वो काम नहीं करेगा सर, मैं आपको दूसरा मैसेज दे दूं? हाँ ठीक है सर, दे दीजिए। लीजिए अभी देखिए, अभी आपको मैसेज मिला, अभी जस्ट अभी मिला सर? हाँ आ गया। हाँ अभी जो मिला उसे सेंड कीजिए जल्दी, मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूँ। हाँ ठीक है। आपको नंबर दिया गया 7304992, ठीक है? ओके नंबर तो लिखा है। ठीक है सर, सेंड कीजिए जल्दी और करके आप कॉल कीजिए हमें। ओके सर। हाँ तो दोस्तों, आपने सुन लिया क्या क्या बोलता है, कैसे आपको मतलब फंसाते हैं और आपसे बोलते हैं इससे मैसेज भेज रहा हूँ, आप इस लिंक से डाउनलोड करो, मतलब तरह तरह के झूठ फैलाते रहते हैं। और इसी तरीके से आपका जो पेटीएम का पैसा पूरा निकाल लेते हैं आपके अकाउंट का भी। तो आपको करना क्या है, अगर इस तरीके की कभी कॉल आती है तो आपको क्या है, उस पर कभी जो लिंक देते हैं क्लिक नहीं करना है और उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है? और ऐसे ही घुमाते रहना और उनको पागल बनाते रहना है। तो बस आप भी ऐसे बच रहिए, और मतलब किसी भी, पहली बात तो कोई कस्टमर आपको कॉल नहीं करेगा KYC के लिए, और ऐसा होता भी नहीं है कि भाई कोई भी नहीं करेगा आपको,